अनन्या सिंह, मैं वार्ड नंबर 8 की सभी जनता मालिक से ये बोलना चाहती हूँ कि चार कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उस चारों में से सबसे अच्छे छवि के सिर्फ निर्मल राय जी है, और आप उनको जिता करके भारी मतों से उनको जिताइए और देखिए कि कितने वार्ड नंबर 8 को स्वर्ग बना देते हैं। इस 5 साल में बस 4 साल को उनको मौका मिला है, 4 साल में भी 2 साल कोरोना में गया, जो काम हुआ हुआ, जो काम नहीं हुआ है वो इस 5 साल में वो कम्प्लीट कर देंगे, ये उनका दावा है और उनका चुनाव चिन्ह है कलम द्वार। बहुत जितने यहाँ पे आप जनता देख सकते हैं सभी वोट में कन्वर्ट होंगे। चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, क्या कहना चाहेंगे वार्ड के सभी मतदाताओं को? मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप निर्मल राय जी को इतने सालों से जानते आ रहे, पहले भी जानते, 5 साल से पहले से भी आप लोग जानते आ रहे हैं, वो 5 साल पहले खड़े हुए इस चुनाव चिन्ह में, पहले चुनाव में खड़े हुए पार्षद खड़े, उससे पहले से सभी उनको जानते हुए, तो उनके छवि के बारे में सब जानते हैं। तो मैं सभी से वार्ड नंबर 8 के सभी जनता मालिक से यही कहना चाहूंगी कि आप उनको जिताइए और देखिए वार्ड नंबर 8 को वो स्वर्ग बना देंगे वो इस 5 साल के अंदर। और उनका निर्मल राय का चुनाव चिन्ह क्या है? कलम और द्वात क्रम संख्या 1 पे है, आप उन पे बटन दबाकर भारी मतों से उन्हें विजय बनाइए। मेरा नाम हुआ निर्मल कुमार राय, वार्ड नंबर 8 के प्रत्याशी हैं, वार्ड पार्षद के। पूर्व में हमारी पत्नी मुख्य पार्षद थी। हाँ, इस बार वार्ड पार्षद में हम लड़ रहे हैं। आज आपने विशाल रैली निकाला था, क्या लग रहा है कि इस बार विजय होंगे? 90% जनता हम मेरे साथ है, जनता के अति पर हम खड़ा हुए हैं और जनता अपार जनता हमको साथ दे रहे हैं। क्या सब काम किए हैं पार्षद? रहते हुए वार्ड में लगभग 40-42 काम किए हैं वार्ड नंबर 3 में, जो अभी वार्ड नंबर 8 में जुटा है उसमें भी काम कर दिए हैं, कुछ काम बाकी है वह टेंडर प्रक्रिया में है, उन्हें 2 करोड़ का, क्योंकि टेंडर इलेक्शन के चलते रुक गया है। काम किए हैं, 5 साल हमको समय मिला था हमारी पत्नी को, उसमें 4 साल हम रहे, 1 साल तो पहले हमको वोट अति कर दिया, निरस्त कर दिया, समझे, 4 साल में 2 साल कोरोना में रहा, 2 ही साल हमको काम करने का मिला मौका, उसी में पूरे शहर में भी काम किए, अपने वार्ड में भी 90% काम कर दिए हैं। आखिरी बार क्या कहना चाहेंगे आपके समर्थन में जो जन चला हुए सभी लोग उपस्थित हुए आज आपकी रैली में, क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों को? सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि अपार मैंने जनसमूह मेरे साथ हैं, नहीं मुझे हमको जिताबेंगे यही उम्मीद करते हैं, अपार जन समर्थन है। अपना परिचय दीजिए। मैं सुनैना देवी मुख्य पार्षद थे, वार्ड पार्षद में हमारे पति खड़ा हुए हैं, वार्ड संख्या 8 से। इस बार जो है मेयर का चुनाव ना लड़के मुख्य पार्षद का, वार्ड पार्षद का लड़ रही है। मुख्य पार्षद हम थे, अभी वार्ड पार्षद में खड़ा हुए हैं। इस बार संधि ले रहे हैं। हाँ, इस बार संधि हम लोग वार्ड पार्षद में खड़ा हुए हैं। 5 साल में जो काम हो गया है, जो 15 साल में नहीं काम हुआ था, अब जो काम बचा हुआ है सो अब काम पूरा कर देंगे। समर्थन में आज आप लोग आए हुए हैं? निर्मल भैया के समर्थन में। क्या लगता है आपको कि निर्मल जीत पाएंगे? 100%। कितने वोटों से, कोई अंदाजा? बहुत वोटों से। अंतिम प्रत्याशी इनके टक्कर में है? कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। क्या कहना चाहेंगे निर्मल जी के बारे में, वो किस तरह के, किस छवि के इंसान है और इस बार क्या कंडीशन रहेगा उसका? वो अच्छा छवि के कैंडिडेट है और काम भी किए हैं, उसको देखते हुए निर्मल जी विजय हो रहे हैं। और मैं विनोद कुमार राय, संकट मोचन कॉलोनी, वार्ड नंबर 8। किनके समर्थन में आए? अभी निर्मल जी के समर्थन में आए हैं, कलम दबाद साहब, और विकास अच्छा किए हैं और अच्छा आगे कर। कितना दिन किया है? कलम दबाद साहब। मेरा नाम विनीता पुदार है। क्या कहना चाहेंगे जिनके समर्थन में आज आप आए हैं, क्या वो चुनाव आसानी से जीत पाएंगे? इन्होंने बहुत वर्क किया है और करेंगे भी आगे, और इनके टक्कर में कोई नहीं है मेरे ख्याल से। काम किया और काम करेंगे? काम किया है, काम करेंगे, और इनके टक्कर में कोई भी नहीं है।